नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 24 अप्रैल 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपमित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अब कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, राजधानी बेंगलुरु है। अब बात करते हैं इस ऐप की। इस ऐप में एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसका नंबर है 14410। ये ऐप COVID-19 के खिलाफ लोगों को जागरूकता एवं सहायता के लिए बनाया गया है। इस ऐप का मेन उद्देश्य है COVID-19 पर चिकित्सा सहायता एवं परामर्श प्रदान करना। दोस्तों, मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ कि ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो। बस आपको ये काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको ला सकूँ ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 की शुरुआत की है? इसका आंसर है MHRD मंत्रालय ने। अब इसकी शुरुआत MHRD मंत्रालय ने की तो बात करते हैं MHRD मंत्रालय की। इसका पूरा नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान सचिव S. सुब्रमण्यम है जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। इसके केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अब बात करते हैं MHRD मंत्रालय की। यह कार्यक्रम विद्यादान 2.0 है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य छात्रों को ई लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराना। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 12 तक के लिए सभी लोगों को, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे विद्याशास्त्र हों, चाहे टीचर्स हों, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्विज के द्वारा, क्लासेस, लाइव क्लासेस ले करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने नमो बिल्ड्स 3D को विकसित किया है? इसका आंसर है ARCI। अब बात करते हैं ARCI का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलजी एंड न्यू मटेरियल्स। इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके निर्देशक जी पद्मनाभन हैं। अब बात करते हैं समझौता ARCI और अमेरिका की नैनो मैकेनिकल्स इंक के बीच में हुआ। ये उपकरण नैनोबिट्स 3D है जिसका उपयोग मल्टीलेयर कोटिंग और मल्टी फेस अलाइल अपोजिट के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग के लिए किस अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका आंसर है अधिनियम 1897। अब बात करते हैं ये महामारी रोग अधिनियम 1897 क्या है। इस अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और संशोधन में ये कहा गया है कि अगर किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों पर किसी भी तरह का हमला या दुर्घटना होने पर गैर जमानती अपराध घोषित होगा, जिसमें हिंसा करने पर 3 महीने से 5 साल तक जेल तथा 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना, अगर गंभीर चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति पर 6 महीने से 7 साल तक की जेल तथा 1,00,000 से 5,00,000 तक का जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा कासोवाल इनक्लेव को शेष भारत से जुड़ने के लिए पुल का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है BOB बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। अब ये पुल BOB के द्वारा बनाया गया तो बात करते हैं BOB की। BOB का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। इसके डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। अब बात करते हैं ये पंजाब में बनाया गया तो बात करते हैं पंजाब के। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल VP सिंह बदनौर, राजधानी चंडीगढ़ है। अब बात करते हैं ये स्थायी पुल के बारे में। ये पुल पंजाब के कासोवाल इनक्लेव को पूरे भारत देश से जोड़ेगा। ये पुल का निर्माण रावी नदी पर
बनाया गया है जिसकी लंबाई 484 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वॉश करो ऐप विकसित किया। इसका आंसर है IIIT दिल्ली। अब बात करते हैं IIIT दिल्ली की। इसका पूरा नाम इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान निदेशक रंजन बोस हैं। बात करते हैं ये इस ऐप वॉश करो ऐप को बनाने में कौन कौन लोग बनाए हैं। तो पहले नंबर पे प्रोफेसर पोन्नू रंगन कुमार गुरु हैं, दूसरे नंबर तो प्रीतेश सेठी, और तीसरे नंबर 5 छात्रों के सहयोग से इसको बनाया गया है। इस ऐप का कार्य ब्लूटूथ तकनीक पे कार्य करेगा जिसमें WHO के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है। इसका आंसर है 9.99%। फेसबुक ने रिलायंस जियो की हिस्सेदारी खरीदी। तो बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो की स्थापना 15 फरवरी 2007 में हुई। इसका मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और रिलायंस जियो के MD संदीप दास हैं। अब बात करते हैं हिस्सेदारी की। हिस्सेदारी 9.99% है जिसमें 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे करके यानी भारतीय रुपए में 43,574 करोड़ रुपए दे करके इतनी हिस्सेदारी को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी इसराइल का पहला डिजिटल बैंक का संचालन करेगी। इसका आंसर है TCS। अब इसका संचालन TCS करेगी। तो बात करते हैं TCS की। TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना 1968 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन टाटा है और TCS के CEO राजेश गोपीनाथन है। अब बात करते हैं इसराइल की। इसराइल की राजधानी यरूशलम है। मुद्रा इसराइली नई सेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अब बात करते हैं डिजिटल बैंक की। डिजिटल बैंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इसराइल का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंक होगा। यह लॉन्च 2021 में है। अभी इस बैंक का कोई भी नाम नहीं रखा गया है। TCS का चयन इसराइल के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। डिजिटल बैंक TCS बैन NCS के द्वारा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने IIM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। इसका आंसर PV सिंधु। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई। इसका मुख्यालय कुलांगुआ मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष पॉल एरिस होयर लॉर्सन हैं। अब ये पूरे वर्ल्ड से 7 अन्य लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसमें से 2 चीनी जोड़ी हैं। अब इस अभियान को स्वच्छता एवं स्वच्छ एवं ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार एवं सम्मान व्यक्त करने वाले लोगों को ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। इसका आंसर है 23 अप्रैल। अब बात करते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को मनाता कौन है। ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोलो हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की। ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक 2020 की राजधानी कुआ लालपुर मलेशिया में है। इस बार मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यह पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में IIMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर है राकेश शर्मा। अध्यक्ष बनने से पहले राकेश शर्मा बजाज ऑटो के मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। इनका कार्यकाल IIMA के लिए अध्यक्ष पद के लिए 2 वर्ष का होगा। IIMA उपाध्यक्ष मई 2019 से ये पदभार ग्रहण किए हुए थे। ये ओजांस लोमन के स्थान पे IIMA के अध्यक्ष पद पे ग्रहण होंगे। अब बात करते हैं IMMA का। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1947 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष राकेश शर्मा बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया। इसका आंसर है 23 अप्रैल।
बात करते हैं ये मनाया क्यों जाता है। ये प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और पुण्यतिथि के स्मृति के दिन उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ये पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग द्वारा बहुभाषावाद एवं सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए मनाया जाता है। अब बात करते हैं यूनेस्को के। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है? इसका आंसर है ICICI बैंक। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? आपके पास चार ऑप्शन है। चार के चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ जरूर लिखें। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।